उन्होंने कहा, एक कुलीन मनुष्य राजपद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक अशर्फी देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। उसके नगर निवासी उससे बैर करते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य हम पर राज्य करे। वह राजपद पाकर लौटा और उसने जिन सेवकों को धन दिया था उन्हें बुला भेजा और यह जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार से कितना कमाया है। पहले ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 10 अशर्फियां कमाई है। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले सेवक, तुम छोटी से छोटी बातों में ईमानदार निकले, इसलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। दूसरे ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 5 अशर्फियां कमाई है। और स्वामी ने उससे भी कहा, तुम्हें 5 नगरों पर अधिकार मिलेगा। अब तीसरे ने आकर कहा, स्वामी, देखिए, यह है आपकी अशर्फी, मैंने इसे एक अंगूठे में बांध रखा था। मैं आपसे डरता था क्योंकि आप कठोर हैं, आपने जो जमा नहीं किया उसे आप निकालते हैं और जो नहीं बोया उसे लूनते हैं। स्वामी ने उससे कहा, दुष्ट सेवक, मैं तेरे ही शब्दों से तेरा न्याय करूंगा। तू जानता था कि मैं कठोर हूं, मैंने जो जमा नहीं किया मैं उससे निकालता हूं और जो नहीं बोया उसे लूनता हूं, तो तूने मेरा धन महाजन के यहां क्यों नहीं रख दिया? तब मैं लौटकर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। और स्वामी ने वहां उपस्थित लोगों से कहा, इससे वह अशर्फी ले लो और जिसके पास 10 अशर्फियां हैं उसी को दे दो। उन्होंने उससे कहा, स्वामी, उसके पास तो 10 अशर्फियां हैं। मैं तुमसे कहता हूं, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और मेरे बैरियों को, जो यह नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, इधर लाकर मेरे सामने मार डालो। इतना कहकर ईसा यरूशलेम की ओर आगे बढ़े।